ग्वालियर में आज बीजेपी के द्वारा बिल्कुल नए तरीके से कमलनाथ सरकार को जगाओ और भगाओ आंदोलन किया गया। इस आंदोलन की विशेषता यह रही कि इस आंदोलन में मंजीरे घंटे के द्वारा आवाज की गई और सोती हुई कमलनाथ सरकार को जगाने का प्रयास किया गया। दरअसल कांग्रेस सरकार के द्वारा पिछले 9 महीनों में 650 TI जो कि पूरे प्रदेश में उपस्थित है उनमें से लगभग 550 TI का ट्रांसफर किया गया था। हरदोई में दबंगों के हौसले बेहद बुलंद है, जहां दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक के साथ मारपीट की। दरअसल हरदोई लोनार थाना क्षेत्र में मकान के सामने कूड़ा डालने को लेकर विवाद हो गया था, जिसको लेकर मकान मालिक यासीन ने कूड़ा डालने से मना कर दिया था, जिस पर विपक्षी ने घर में घुसकर यासीन के साथ मारपीट की। वहीं पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। आपके साथ क्या विवाद हुआ और क्या घटना घटी है? अरे सैफुल्ला के घर वालों ने कूड़ा जमा करके मेरे मोहरे पे लगा दिया और जब मना किया जब मारपीट चालू कर दी उन्होंने और किसी कारण घर पर पूरी घर ने चढ़ाई कर दी मेरे ऊपर, धमकी दी मारने की, जान से मारने की धमकी दी, लाठी डंडे निकाल ले आए अपने घर से। और इसी बीच में इलियास और राजू आए, जब चिल्लाने लगे ये लोग भाट ठाणे हुए और तहरीर दिए थाने में, तहरीर दिए थाने की, रात्रि करा के आओ थाने, मुकदमा लिखा जाएगा इनके खिलाफ। आपका क्या नाम है? यासीन। राजधानी जयपुर के बस्ती उपखंड क्षेत्र के हाथों में ध्वज, होठों से गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आना के गूंजते जयकारे, ढोल नगाड़े और डीजे पर बजते भजनों के बीच बुधवार को श्री गणपति महोत्सव समिति के तत्वाधान में मठ महादेव मंदिर से भगवान गणेश की विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हर कोई बप्पा की भक्ति में सराबोर नजर आया। पंडितों द्वारा भगवान गणेश की विधि विधान से महाआरती की गई। उत्तर प्रदेश के बलिया में बापू भवन टाउन हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व साधना फाउंडेशन के उत्तर प्रदेश प्रभारी अनिल वर्मा, प्रबंधक रामेश्वर वर्मा, प्रदेश सचिव शहनवाज अख्तर के द्वारा किया गया। साधना फाउंडेशन द्वारा बलिया में अब तक 30 से ज्यादा रक्तदान शिविर लगाए जा चुके हैं।